झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी हलकों में हलचल तेज हो चुकी है। प्रदेश में चुनावी तारीखों की घोषणा से पहले राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। यह चुनाव झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए होगा। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। इस बार भी हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम राज्य के गठन के बाद के आंकड़ों पर नजर डालें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी ने हर विधानसभा में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई है। वहीं बीजेपी का प्रदर्शन उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। साल 2005 में झारखंड गठन के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए जिसमें बीजेपी 30 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। उनका मत प्रतिशत 23.6% था जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का 17 सीट लाकर दूसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसका वोट परसेंटेज 14.3% था। तीसरे नंबर पर कांग्रेस थी जिन्होंने 9 सीटें जीती। उनका वोट प्रतिशत 12% था। चौथे स्थान पर राष्ट्रीय जनता दल था। उसका मत प्रतिशत 8.5% था। साल 2009 में बीजेपी और जेएमएम 18-18 सीट लाकर संयुक्त रूप से सबसे बड़ी पार्टी बनी थी लेकिन वोट प्रतिशत बीजेपी का सबसे अधिक था। उन्हें 20.1% वोट मिले थे तो जेएमएम को 15.1% वोट मिला था। दूसरे स्थान पर चुनाव में कांग्रेस थी। उन्हें 14 सीटें हासिल हुई थी जबकि उनका वोट प्रतिशत 16 था। इस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। उनकी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा यानी जावीमो इस चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ी और 11 सीटें जीती। उन्हें 9.1% वोट हासिल हुआ। साल 2014 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आदसू ने गठबंधन में चुनाव लड़ा और दोनों ने मिलकर 42 सीटें जीती। राज्य में पहली बार किसी पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। साल 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद ने गठबंधन में चुनाव लड़ा और तीनों ने मिलकर 47 सीट जीती। जेएमएम 30 सीट लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी तो बीजेपी 25 सीट जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस ने इस चुनाव में 16 सीट जीतकर अपने इतिहास सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। इससे पहले साल 2009 में उन्होंने 14 सीटें जीती थी। आरजेडी को इस चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली थी जबकि आजसू 2 और झाविमो को 3 सीटें मिली थी। हालांकि वोट प्रतिशत बीजेपी का ही था। उन्हें 33.37% वोट मिले थे तो झामुआ को 18.72% वोट मिले और कांग्रेस को 13.88% वोट मिले थे। एक तरह से कहा जाए तो इस बार चुनाव में इंडिया अलायंस और एनडीए में सीधी टक्कर होगी। इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी सियासी खेल बिगाड़ने की तो चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। हालांकि फिलहाल जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी, जेवीएम, अजासू जैसे राजनीतिक दल भी अहम रोल निभा सकते हैं। बता दें कि साल 2019 में 30 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक प्रदेश में मतदान हुआ था जिसमें चुनाव 5 चरणों में हुआ था। इसके नतीजे 23 दिसंबर को आए थे जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत हुई थी और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।